हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि 2024-25 का जो न्यू बैच है वो सक्सेस मास्टर पॉइंट यानी मेरे चैनल पर शुरू हो चुका है। तो आप उसके लिए चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं 2024-25 की परीक्षा के लिए इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपका महासंग्राम क्लास है और आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगी वो सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपका यहाँ से 90% तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को आपको बता दूंगी और फुल क्लास आप चाहते हैं अपने 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स की, तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लॉट। देखिए, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, वहाँ से आपका 20 मार्क्स तैयार हो जाता है। तो वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं पूरा डिटेल में। आपका छोटा छोटा आंसर सही होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपको कंट्रीब्यूशन लिखना होता है तो मैंने पूरा डिटेल में करा दिया है हर एक राइटर का कंट्रीब्यूशन। और आज की वीडियो में ये भी बताऊँगी कि अगर 50 वर्ड्स में कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ दे, वेरी शॉर्ट में पूछ दे, तो कैसे लिखना है। क्योंकि जो वीडियोज़ मैं आपको देती हूँ फुल क्लास कॉन्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर तैयार कराती हूँ, यहाँ पर शॉर्ट भी बताऊँगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन प्लॉट। ये आपके वेरी शॉर्ट में 100% पूछता है। तो प्लॉट क्या है? फुल क्लास की होगी आपने मेरे साथ तो आपको पता होगा। द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी और प्ले इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब घटना, सीरीज मतलब श्रृंखला। तो किसी भी कहानी या प्ले यानी कि नाटक, किसी भी कहानी या नाटक में घटनाओं की जो श्रृंखला होती है, दैट अनफोल्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि कहानी या नाटक के शुरुआत से लेकर अंत तक जो घटनाएं एकदम लगातार एक सीक्वेंस में घटित होती हैं वो प्लॉट कहलाती हैं। एक आपने मूवी देखी, मूवी आज शुरू हुई यहाँ से, ठीक है, समझिए, यहाँ से मूवी शुरू हुई, एक सीक्वेंस में अब चल रहा है सब कुछ, बीच में हीरो हीरोइन की मुलाकात हुई, उसके बाद प्यार हुआ, फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है, विलेन भी होता है, फिर सब कुछ यहाँ तक आके सही हो जाता है, एंड में शादी हो जाती है हीरो हीरोइन की। तो ये क्या है, सब घटनाएं एकदम सीक्वेंस से होती जा रही हैं फिर यहाँ आके एंड हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम प्लॉट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिफाइन प्रोज। आप प्रोज को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये प्रोज होता क्या है? तो प्रोज का मतलब होता है गद्य। तो प्रोज इज़ ए फॉर्म ऑफ रिटेन और स्पोकन लैंग्वेज। जो प्रोज है, फॉर्म होता है लिखित, यानी कि लिखित, और स्पोकन मतलब बोलने वाला भी, बोल कर या लिख कर के लिखित भाषा में। प्रोज यानी गद्य एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, जो फॉलो करता है एकदम नेचुरल फ्लो को किसी भी भाषण का। Uses a language's ordinary grammatical structure, जिसमें कि ordinary language का भी use किया जाता है और grammatical structure को भी follow किया जाता है इसमें। तो आप इसको एकदम note कर लीजिए, important है ये आपके लिए। Third आपका important question है write the main characteristics of autobiography। This is very important question, 100% आएगा। Autobiography क्या है? तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़ना था ना यूनिट नंबर 2 में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए, पहला फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एन ऑटोबायोग्राफी इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट ऑफ द राइटर्स ओन लाइफ। देखिए, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन की कहानी को अपने हाथों से लिखकर एक्सप्लेन कर दे तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो ऑटोबायोग्राफी जो है पूरा रिकॉर्ड होता है किसी भी व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस का, उसके जीवन में, उसके खुद के जीवन में उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो उसका, जो उसकी अचीवमेंट है यानी जो उसकी सफलताएं हैं, जो उसने प्राप्त किया है अपने जीवन में संघर्ष के साथ,
तो सारी चीज़ों का वो रिकॉर्ड बनाता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, सारा कुछ वो लिख देता है, कैसे कैसे उसने किया, कब वो फेल हुआ, कब वो पास हुआ, कैसे उसने स्ट्रगल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करके अपनी अचीवमेंट तक पहुँचता है, तो वहाँ तक पहुँच कर फिर वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करता है लोगों के साथ कि कैसा एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ऑटोबायोग्राफी में वो अपने देता है। तो वो क्या कहलाता है ऑटोबायोग्राफी, की अपने जीवन को हम खुद अपने हाथों से लिख दें। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट नरेट्स। नरेट्स मतलब एक्सप्लेन करना, यानी इट नरेट्स यानी कि ऑटोबायोग्राफी वर्णन करती है, ऑटोबायोग्राफी में वर्णन किया जाता है द स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स यानी संघर्ष को, एंड डील्स विच हेल्प हिम टू अचीव नेम एंड फेम इन लाइफ। नेम एंड फेम का मतलब होता है नाम और प्रसिद्धि को अपने जीवन में पाने के लिए जितना कुछ उसने संघर्ष किया, जितना कुछ उसने डिड यानी काम किया, उन सारी चीज़ों का संघर्ष को वो अपने इस ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है एन ऑटोबायोग्राफी शुड बी एन एंटायरली फ्रैंक ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द राइटर्स लाइफ। देखिए, राइटर जो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है वो होना चाहिए पूरी तरह से, शुड भी होना चाहिए एंड एंटायरली फ्रैंक यानी एकदम फ्रैंकली वो लिखेगा अपने ऑटोबायोग्राफी को, अपने जीवन को ऑनेस्ट यानी ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए। ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी कोई भी झूठी बात उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिख रहा है तो सारी सच्चाई को ही लिखेगा, झूठ नहीं लिखेगा। बहुत लोग अगर झूठ लिख भी दे तो ये गलत है, इसमें सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए और अपने जीवन को सही सही लिखना है, बना बना कर गलत गलत नहीं लिखना है। तो ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑटोबायोग्राफी के, तो आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे। देखिए, ये सारा आपका पूछेगा एग्जाम में वेरी शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट को ये मत सोचिएगा कि क्या हम ये याद करें, ठीक है, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। आपको सब याद करके जाना है अच्छे से, चाहे वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, पूरा तैयार करके जाना है, तभी आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ ए प्रोज कंपोजिशन ब्रीफ शॉर्ट और मॉडरेस्ट लेंथ। यहाँ से ऑफ हटा दीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट और मॉडरेस्ट लेंथ यानी कि यह एक गद्य रचना होती है जो संक्षिप्त यानी कि छोटी और मध्यम लंबाई की होती है। तो देखिए, इससे की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है द एसे इज़ इनकम्प्लीट नो एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब होता है संपूर्ण, तो द एसे इज़ इनकम्प्लीट, एसे हमेशा अधूरा होता है, नो एग्जॉस्टिव मतलब ये संपूर्ण यानी पूरा नहीं होता। थर्ड है इट इज़ इनफॉर्मल एंड अनसिस्टमैटिक। एसे जो होता है इनफॉर्मल होता है और अनसिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीरियोडिकल एसे। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे क्या है ये आप पढ़ चुके हैं प्रोज एंड प्रोज स्टाइल में। तो पीरियोडिकल एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि उद्देश्य क्या है। तो देखिए, द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीरियोडिकल एसे, जो मुख्य उद्देश्य है पीरियोडिकल एसे का, पीरियोडिकल एसे का मतलब होता है समय समय पर प्रकाशित होने वाला निबंध, जो हफ्ते में रोज़ प्रकाशित नहीं होता, इसकी डेट फिक्स होती है और उसी दिन वो प्रकाशित होता है। तो द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीरियोडिकल एसे वॉज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ द कंटेम्पोरेरी इंग्लिश सोसाइटी। देखिए, समय समय पर निबंध का जो मुख्य उद्देश्य है उसका मतलब होता है समकालीन जो अंग्रेजी समाज था और उसमें नैतिक और शिष्टाचार में सुधार लेकर आना था, इसीलिए इसको प्रकाशित किया जाता था, जो सोसाइटी में चीज़ें हैं गलत हैं उनमें इम्प्रूव करने के लिए, इसका मतलब था, सोशल पर्पज़ इसका होता था, ये चीज़ आप याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा देखिए, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी यूनिट नंबर 2 में आपका है, मैं पूरा पढ़ा दी हूँ, उसी में आपका एक प्लॉट आता है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी के अंदर, और प्लॉट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने करा दिया है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आपको ये जो हेडिंग देखिए, देर आर 5 मेन एलिमेंट्स, देखिए वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आप बस यही लिख दीजिए, पहला है बिगिनिंग, सेकेंड है राइजिंग एक्शन, थर्ड है क्लाइमैक्स, फोर्थ है फॉलिंग एक्शन, फाइव है रिजोल्यूशन। तो एक स्टोरी इसी तरह से शुरू होती है और रिजोल्यूशन यानी जाकर अंत हो जाता है स्टोरी का। तो आपसे ये जब शॉर्ट में पूछ दे या लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा आपका हो जाएगा, आप चाहेगा तो थोड़ा थोड़ा 3-4 लाइन, 1-2 लाइन एक एक में एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरी शॉर्ट में, मगर आपके लिए लॉन्ग में जब पूछ दे तो आपको पूरा पता होना चाहिए, और ये पूरा मैंने एकदम डिटेल में करवा दिया है आपका। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई ट्रेवलॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेवलॉग क्या है पढ़ चुके हैं आप, आपको पढ़ा चुकी हूँ। ट्रेवलॉग इज़ अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, इंडिविजुअल्स मतलब कोई व्यक्ति है, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवल मतलब क्या होता है, कहीं यात्रा करने आप गए हुए हैं, तो आप जब कहीं गए हैं घूमने किसी जगह पे, तो आप वहाँ पर जाके आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो भी चीज़ें वहाँ देखी हैं उन सभी चीज़ों के बारे में एकदम ट्रूथफुल यानी सच्चाई के साथ आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख डालें, वो आपका ट्रेवलॉग कहलाता है, जिसमें आपकी पूरी यात्रा का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन एंड वेयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है लॉन्ग में, वो मैं आपका करवा चुकी हूँ, यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है, पढ़ा दिया है मैंने। देखिए शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि इनका बॉर्न कब और कहाँ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 May 1861 इन कलकत्ता नाउ कोलकाता, 7 May 1861 को कलकत्ता में, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द सम फेमस मेजर वर्क्स ऑफ भवनी भट्टाचार्य, भवनी भट्टाचार्य का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए इनका जो मेजर वर्क है आप याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन पूछता है तो मेजर वर्क लिखे बिना कंट्रीब्यूशन आपका अधूरा होगा, इसलिए सभी का मेजर वर्क आप तैयार रखिएगा। कंट्रीब्यूशन वाली वीडियो में मैंने सभी का मेजर वर्क्स आपको करवा दिया है। तो सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स वर सो मेनी हंगर्स, जो प्रकाशित हुआ 1947 में, म्यूज़िक फॉर मोहिनी, ए ड्रीम इन हवाई, गांधी द राइटर, ये सब जो है भवनी भट्टाचार्य का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वर्क है। इंग्लिश लिटरेचर में इनका योगदान बहुत अधिक है। आप प्रकाशित डेट भी ज़रूर एग्जाम में लिखिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ एंटागोनिश इन स्टोरी और प्ले, एंटागोनिश मतलब होता है इनेमी, या कह सकते हैं विलेन, क्योंकि विलेन जो होता है हीरो का दुश्मन ही तो होता है। तो विलेन इन स्टोरी कहानी में और प्ले यानी नाटक में, किसी कहानी में प्ले में यानी नाटक में या किसी मूवी में एंटागोनिस्ट कौन होता है, तो जो विलेन होता है वही होता है। तो देखिए एंटागोनिस्ट मीन्स विलेन, एंटागोनिस्ट रिप्रेजेंट द अपोजिट ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट पूरी तरह से उल्टा होता है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है हीरो, मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी वो प्रोटागोनिस्ट होता है, और इसका अपोजिट जो इसका विलन होगा वो कौन होगा, एंटागोनिस्ट होगा। दे आर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, दे आर सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत होते हैं, जरिया होते हैं ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो भी संघर्ष आ रहा है हीरो के जीवन में। देखिए विलन जो होता है कभी भी किसी हीरो को चैन से जीने नहीं देता, तो उसके जीवन में परेशानियाँ संघर्ष खड़ा करने वाला विलेन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, दे आर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, किसी भी कहानी में ये संघर्ष परेशानी ले आने का जरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद के अलावा भी जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे श्री अरबिंदो का, रविन्द्रनाथ टैगोर का,
या फिर आप कह लीजिए कि सरोजनी नायडू का, ये सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को तैयार रखिएगा। सब मैंने आपका करवा दिया है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि कैसे कंट्रीब्यूशन तैयार करना है। लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में पूरा मैं आपसे आपको करवा चुकी हूँ। जो कंट्रीब्यूशन वाली वीडियो है आप वही याद कर लीजिए, जो नोट्स मैंने आपको दे रखा है। लेकिन शॉर्ट में आ जाएगा तो आप सही है कि दो पेज तीन पेज का तो नहीं लिखेंगे, मतलब 50 वर्ड्स में लिखना है तो 7 से 8 लाइन आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मुल्क राज आनंद का इम्पोर्टेंट है बता रही हूँ आपको, और इसी तरह से आप रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, सरोजनी नायडू या फिर आर के नारायण, सभी का तैयार कर लीजिएगा। जितना इसमें बता रखा है उतना ही। मुल्क राज आनंद वास प्रोमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड इससे। ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन। प्रोमिनेंट मतलब होता है मुख्य या प्रमुख। इंडियन राइटर, भारतीय लेखक थे नॉवेल के, शॉर्ट स्टोरी के, एसे के। ही वॉज बॉर्न इन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। लेकिन पार्टीशन के बाद पेशावर जो है पाकिस्तान में चला गया, तो पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। His first novel Untouchable published in 1935। मुल्क राज आनंद का पहला नावल था Untouchable, जो कि प्रकाशित हुआ था 1935 में। And some of his famous works were कूली। देखिए, फेमस वर्क आपको 100% कंट्रीब्यूशन में लिखना है, उसको लिखे बिना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, तो लिखिएगा ज़रूर। तो फेमस वर्क आप तैयार रखिएगा, बॉर्न डेथ तैयार रखिएगा, कहाँ पैदा हुए इतना तैयार रखिए, आपका हो जाएगा। फेमस वर्क वर कूली 1936 में प्रकाशित हुआ। द लॉस्ट चाइल्ड, देखिए द लॉस्ट चाइल्ड भी इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है। जो बच्चा होता है गुम हो जाता है मेले में, बहुत अच्छी स्टोरी है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में यही पढ़ना है, और कहीं कहीं पर द लॉस्ट चाइल्ड की जगह इनका द बारबर्स ट्रेड यूनियन है, तो वो भी पढ़ना है। मैंने दोनों पढ़ा दिया है, जिस यूनिवर्सिटी में जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ लेंगे। द विलेज इनका फेमस वर्क है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका। द बिग हर्ट, ये सारा इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप इनको लिख दीजिएगा वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो। इन 1968 ही वॉज नॉमिनेटेड विद पद्म भूषण। देखिए 1968 में पद्म भूषण के से इनको नॉमिनेट किया गया। ही गॉट साहित्य अकेडमी इन 1971, और इन्हें साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी दिया गया 1971 में। मुल्क राज आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे। देखिए 2004 में 28 सितंबर को इनका इनकी मृत्यु पुणे में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज आयोना। आयोना कौन था? देखिए ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आयोना वाज ओल्ड कैब ड्राइवर। तो जो आयोना था, द लेमन जो शॉर्ट स्टोरी आपको मैंने पढ़ाई हुई है, उसका जो अलग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उस स्टोरी का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड, अब नेक्स्ट है डिफाइन एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या है? देखिए ये एक है पोएटिक डिवाइस, आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। एफोरिज्म मतलब होता है ना कहावत, कोई छोटा सा स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, जो कहावत के रूप में बोला जाता है। देखिए एन एफोरिज्म इज़ ए शॉर्ट फ्रेज और स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट लाइफ। जैसे कोई ऐसी कहावत होती है, नहीं बोला जाता, जो जीवन के ऊपर बेस्ड होती है, सच्चाई के ऊपर बेस्ड होती है, जीवन के बारे में सच्चाई बताती है, तो उस तरह का जो फ्रेज़ बोला जाता है या स्टेटमेंट बोला जाता है उसको एफोरिज्म कहा जाता है। और बहुत सारे राइटर जब स्टोरी या नॉवेल या फिर ड्रामा लिखते हैं तो उसमें इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉगिंग। ये 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट नंबर 8 में आपको ऑनलाइन राइटिंग ब्लॉगिंग सभी के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या? तो 100% वेरी शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। लॉन्ग के लिए आपको पूरी यूनिट पढ़नी होगी, पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ए ब्लॉग इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेबलॉग। वेबलॉग का छोटा सा रूप ब्लॉग होता है। ब्लॉगिंग इज़ द प्रोसेस, ब्लॉगिंग वो प्रक्रिया है, दैट इम्प्लाइज, जिसका तात्पर्य होता है क्रिएटिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल ये है, देखिए यहाँ पर एक के बाद आर रहेगा, आर्टिकल्स।
photos and other form of content and publishing them on a website. देखिए ब्लॉगिंग वह प्रक्रिया होती है जिसका तात्पर्य किसी भी लेख को, फोटो को या अन्य प्रकार की किसी भी कंटेंट को बनाना और उन्हें किसी एक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होता है, वो क्या कहलाता है, वो ब्लॉग कहलाता है। आप फुल वीडियो देखिएगा ब्लॉगिंग के ऊपर, इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉइल कैरेक्टर। देखिए फॉइल कैरेक्टर ड्रामा में भी होते हैं, मूवी में भी होते हैं, और जो मैंने कैरेक्टर वाली वीडियो अपलोड की है एलिमेंट ऑफ ड्रामा वाली, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी वाली, उसमें सब कैरेक्टर के बारे में भी आपको समझा दिया है। देखिए फॉइल कैरेक्टर होते क्या हैं, ए फॉइल कैरेक्टर इज़ ए कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर स्पेशली विद द हीरो। हीरो के साथ इनको कंट्रास्ट करके दिखाया जाता है, और किस लिए दिखाया जाता है, देखिए आप लोगों ने बहुत सी मूवी ऐसी देखी होगी हीरो के साथ उसका दोस्त होता है, उसकी भी पर्सनालिटी सारी चीज़ें बिहेवियर सब कुछ अच्छा होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा बुद्धू दिखा दिया जाता है, तो जिसके अपोजिट हम कहते हैं कि ये हीरो जो है बड़ा चालाक है, ये इसके जैसा नहीं है, तो ऐसा दिखाया जाता है ताकि लोगों का जो मेन ध्यान होता है वो हीरो की तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि उसके दोस्त की तरफ, क्योंकि मेन कैरेक्टर वो नहीं होता, हीरो होता है। तो ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उनको फॉइल कैरेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोनों के बीच में अंतर एग्ज़ाम में पूछता है, वेरी शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में कभी नहीं पूछता, जब पूछेगा शॉर्ट में ही पूछेगा, तो इतना ही आपको लिखना है, देख लीजिए। ए मेमोयर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। जो मेमोयर होता है वो किस तरह से ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा से अलग होता है, देखिए ए मेमोयर हैज़ ए मोर कंसंट्रेशन ऑन हीज हर ओन मेमोरीज और फीलिंग्स। देखिए जो मेमोयर होता है वो किस तरह अलग होता है एक ऑटोबायोग्राफी से, देखिए ऑटोबायोग्राफी भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को ही लिखता है, और मेमोयर में भी वो अपने जीवन में गुजरी हुई किसी घटना का ही एक्सप्लेन करता है, मगर दोनों अंतर किस तरह से है दोनों में, तो देखिए किसी मेमोरीज़ को, किसी भी अच्छे वक्त को याद करना, किसी घटना को याद करना, हो सकता है कोई बुरा ही वक्त हो उसको याद करना, अपनी फीलिंग्स को लिखना, वो मेमोयर के अंदर कोई भी लिखता है। मेमोयर में किसी भी यादगार पल को लिखा जाता है, क्योंकि देखिए मेमोरी से ही मेमोयर लग रहा है ना। एन ऑटोबायोग्राफी फोकसेस ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द राइटर, जबकि जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो जीवन के किसी भी, जैसे राइटर के जीवन के किसी भी घटना का मतलब एक सीक्वेंस में वो सारी चीज़ों को लिख सकता है जो जो चीज़ें उसने की हैं, जबकि मेमोरी में पूरे जीवन की, जबकि मेमोयर में पूरे जीवन की घटना नहीं, किसी भी एक घटना को जो अच्छी हो, यादगार हो, फीलिंग्स को, सारी चीज़ों को राइटर एक्सप्लेन करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, प्रोज टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल वाली यूनिट में आपका पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने। तो आज के वीडियो के ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आप इन सभी को एकदम रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और इसके अलावा मैं अभी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी अपलोड करूँगी, जितनी भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन पर वीडियोज़ आएंगी, महासंग्राम क्लासेस आएंगी आपकी, जिनको आप तैयार करके पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।